हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट फिफ्थ, जो है हमारी बेसिक्स ऑफ रिपोर्टिंग, यानी जो न्यूज़ रिपोर्टिंग होती है उसके ही बारे में बेसिक सी जानकारी। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं ये। एक बात मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये यूनिट किस सब्जेक्ट की है। तो ये है हमारा BA थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर का इंग्लिश लिटरेचर, जो है पेपर सेकंड जिसका चल रहा है। पेपर फर्स्ट पहले ही कंप्लीट करवा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो ये पेपर सेकंड है जिसका टाइटल है मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग। ठीक है, तो यूपी स्टेट की सभी यूनिवर्सिटी का यही सिलेबस नहीं है, सबके अलग अलग सिलेबस हैं, तो अपना सिलेबस को ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, तो ये यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है इस सब्जेक्ट की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लें। ठीक है, तो ये है हमारी यूनिट फिफ्थ, जिसमें हमें पढ़ना है बेसिक्स ऑफ रिपोर्टिंग। ठीक है, जिसके अंदर हमें पढ़ना है न्यूज़ वैल्यूज़। ठीक है, अलग अलग टाइप की न्यूज़ होती हैं और उनकी जनता के बीच, मतलब पब्लिक के बीच, उनकी अलग अलग वैल्यू होती है। ठीक है, न्यूज़ गैथरिंग यानी उसको, न्यूज़ को इकट्ठा करना, ये तो हम पहले ही यूनिट फर्स्ट में भी पढ़ चुके हैं, है ना। रीडर्स इंटरेस्ट यानी जो पढ़ने वाला है न्यूज़, उसका इंटरेस्ट क्या है। क्वालिटीज़ एंड एप्टीट्यूड नेसेसरी फॉर अ रिपोर्टर, जो रिपोर्टर होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, उनके लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए। और टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, ये जो टॉपिक है हमें इसमें पढ़ने हैं, इसके क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ठीक है, तो न्यूज़ वैल्यू के बारे में हम बेसिक से जानकारी पढ़ लेते हैं, पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, न्यूज़ वैल्यू पढ़ लेते हैं और रिपोर्टर्स की क्वालिटीज़ एंड एप्टीट्यूड नेसेसरी फॉर अ रिपोर्टर, ये पढ़ लेते हैं। बाकी न्यूज़ गैदरिंग हमने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा था। रीडर्स का इंटरेस्ट कैसे जागता है, अगर हमारी न्यूज़ अच्छी होगी, उसमें वस्तुनिष्ठता होगी, तो जाहिर सी बात है कि उसमें रीडर का इंटरेस्ट आएगा, पढ़ने वाले का रुचि आएगी। ठीक है, क्वालिटीज़ देख लेते हैं क्योंकि ये ज़रूरी भी हैं, और टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स ये भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे समझ में आ ही जाएंगी किस किस टाइप की न्यूज़ होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, है ना। तो हम ये न्यूज़ वैल्यूज़ क्या होती हैं ये समझ लेते हैं, और क्वालिटीज़, रिपोर्टर की क्वालिटीज़ को समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे, तो पहले वो समझ लेते हैं फिर ये करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा न्यूज़ वैल्यू का कॉन्सेप्ट। न्यूज़ की वैल्यू उसका कितना इम्पॉर्टेंट हो सकती है पढ़ने वाले के लिए, वो न्यूज़, उसको बोलते हैं न्यूज़ वैल्यू। ठीक है, न्यूज़ की क्या वैल्यू है हमारे लिए, तो न्यूज़ की वैल्यू किस चीज़ पर डिपेंड करती है ये हम देख लेते हैं। तो इन चीज़ों पर न्यूज़ की वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, टाइमलीनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हमारी न्यूज़, मतलब मान लो कोई घटना घटी है, कोई एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट, तो वो कल के न्यूज़पेपर में आना चाहिए। पर अगर वो कल के न्यूज़पेपर में ना आकर परसों के न्यूज़पेपर में आता है, ठीक है, कोई प्रकाशन है तो उसके कल के न्यूज़पेपर में ना आकर परसों के न्यूज़पेपर में आता है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। क्योंकि पहले से ही अगर शहर में कोई घटना हो जाती है बड़ी, तो पहले से इंसानों को जब पता चल जाएगा, मतलब लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ ये घटना हो गई है, न्यूज़पेपर में परसों प्रिंट होगा, लोगों को तो कल ही पता चल जाएगा, है ना, तो उस न्यूज़ की वैल्यू कम हो जाएगी। तो टाइम का बहुत ध्यान रहना चाहिए, अगर हम डिले करेंगे न्यूज़ को देने में, कोई भी घटना हुई है उसके बारे में, मतलब उसके बारे में न्यूज़ देने में अगर हम ज़्यादा टाइम ले लेंगे तो वो न्यूज़ की वैल्यू कम हो जाएगी। तो टाइम का बहुत ज़्यादा मायने रहता है न्यूज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रॉक्सिमिटी यानी नज़दीकी। जो घटना या फिर कोई भी इवेंट्स ये हो रहा है, कोई घटना घटी है, वो आपके जितना करीब होती है उसकी न्यूज़ वैल्यू आपके लिए उतनी ही ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मान लो कि आपके शहर में, ठीक है, कोई घटना घट गई है, ठीक है, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी, आप उसको जानने के लिए इंटरेस्ट रहेंगे उस न्यूज़ के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आपको उसकी न्यूज़ वैल्यू आपको ज़्यादा लगेगी, आपके लिए उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। पर यही घटना किसी और देश के छोटे से शहर में घटती है, तो वो उसका आपको, उसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि वो हमें क्या लेना देना दूसरे देश के शहर से, है ना। और अगर, मतलब उन न्यूज़ को छोड़ के जो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं वो तो अलग बात है, पर हाँ अगर वही जो छोटी मोटी कोई घटना है जो आपके शहर में घटी है, वो आप उसके, उसको जानने के लिए इंटरेस्टेड, मतलब आपको इंटरेस्ट रहेगा उसको जानने के लिए। पर अगर वही सेम घटना, कार एक्सीडेंट वगैरह वाली घटना किसी और देश के शहर में घटी होगी, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रॉक्सिमिटी भी न्यूज़ की वैल्यू बढ़ाती है। नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट,
यानी जो न्यूज़ ज़्यादा प्रभावशील होती है। मान लो कि हमारे शहर में लॉकडाउन लग रहा है, तो इस लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोग प्रभावित होंगे, मतलब शहर के सारे ही लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, ठीक है। तो इस न्यूज़ का, तो ये लॉकडाउन वाली न्यूज़ हमारे पेज के, मतलब हमारे न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आएगी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया, मतलब बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे, इस लॉकडाउन का असर बहुत ज़्यादा लोगों पर पड़ेगा। तो इस वजह से जिस न्यूज़ का इम्पैक्ट, प्रभाव ज़्यादा होता है ना, उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। तो इम्पैक्ट में क्या होता है कि प्रभाव ज़्यादा होता है तो न्यूज़ की वैल्यू भी बढ़ जाती है हमारे लिए, हम उसको पढ़ना ज़रूरी समझते हैं उस न्यूज़ को, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस मतलब प्रमुखता, जो लोग आपके लिए इम्पोर्टेंट है, प्रमुख है, ठीक है। जैसे कि जिन लोगों को आप फॉलो करते हैं, जिसमें इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, सेलिब्रिटी हो सकते हैं, क्रिकेटर या पॉलिटिशियन, तो उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएगी उसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, तो उस न्यूज़ की वैल्यू आपके लिए ज़्यादा होगी, ठीक है। तो प्रमुखता, प्रोमिनेंस भी जो है न्यूज़ की वैल्यू को बढ़ाता है, ठीक है। जैसे कि किसी भी सेलिब्रिटी की शादी हो रही है तो हर न्यूज़पेपर में उनकी शादी के बारे में लिखा होगा, है ना। तो इस टाइप से प्रोमिनेंस जो है न्यूज़ की वैल्यू को बढ़ाता है। नेक्स्ट है ODD या अनयूजुअलनेस। ODD मतलब विषमता, अनयूजुअलनेस मतलब असामान्य, कोई ऐसी घटना होती है जो कभी नहीं हुई है। जैसे कि मान लो कोई जगह है जहाँ ठंड तो बहुत पड़ती है, पर वहाँ कभी बर्फबारी, स्नोफॉल नहीं हुआ है, और वहाँ स्नोफॉल हो जाता है अगर, तो ये पूरे विश्व के लिए बहुत, मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जाएगी कि वहाँ पर स्नोफॉल कभी नहीं हुआ और एक अचानक से स्नोफॉल हो जाता है, तो ये बहुत आश्चर्यजनक न्यूज़ हो जाएगी और सब लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। तो इस न्यूज़ की वैल्यू हमेशा ज़्यादा ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन इंटरेस्ट। ऐसी न्यूज़ जिसमें ह्यूमन का इंटरेस्ट होता है, तो वो तो न्यूज़, उसको तो न्यूज़ की वैल्यू मिलती है, मतलब वो ज़्यादा ही उसकी न्यूज़ वैल्यू होती ही है। अगर ह्यूमन इंटरेस्ट वाली कोई चीज़ है तो उसमें लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, है ना, तो उसको तो वैल्यू मिलेगी ही। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष। अब कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि मान लो दो देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर किसी दो लोगों के बीच, दो सेलिब्रिटी हैं, कोई मशहूर फेमस सेलिब्रिटी है ना, तो उनके बीच अगर कोई लड़ाई अनबन चल रही है, तो उनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आएगी तो सब लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना, सब लोग उसमें रुचि लेंगे और न्यूज़पेपर में भी वो न्यूज़ आएगी ही। अगर दो देशों के बीच अनबन है, तो अगर कोई देश का नेता किसी देश के बारे में कुछ कह रहा है, उस देश के बारे में जिसके, मतलब अनबन, लड़ाई, संघर्ष चल रहा है जिनके बीच, तो वो भी न्यूज़ न्यूज़पेपर में आएगी ही, तो ऐसी न्यूज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है। जैसा कि मान लो पाकिस्तान इंडिया का मैच आता है, तो सबसे ज़्यादा, मतलब फोकस उस मैच पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है, बाकी देशों का मैच आता है इंडिया के साथ और तो उतना फोकस नहीं होता है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच संघर्ष चलता रहता है, तो इस वजह से उन पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है, तो उस न्यूज़ की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट भी जो है हमारा न्यूज़ की वैल्यू को बढ़ाता है। अब देख लेते हैं अब हम क्वालिटीज़ ऑफ रिपोर्टर्स। रिपोर्टर्स कह सकते हैं, जर्नलिस्ट कह सकते हैं, जो भी न्यूज़ को इकट्ठा करते हैं। आपने देखा ही होगा माइक लेके, है ना, जो रिपोर्टर्स क्या होते हैं आपको अच्छे से पता होगा कौन होते हैं, जो भी रिपोर्ट, मतलब जो भी न्यूज़ को इकट्ठा करते हैं, मतलब टेलीविज़न पर या रेडियो पर, सोशल मीडिया पर देते हैं न्यूज़ को, है ना, वो रिपोर्टर्स होते हैं। तो इनकी क्वालिटीज़ क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये ईमानदार होना चाहिए, है ना, इनके अंदर मतलब जज्बा होना चाहिए रिपोर्ट करने का। बहुत सी चीज़ें हैं जो क्वालिटीज़ हैं जो इनके अंदर होना चाहिए, एक एक करके हम सबको देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें मास्टरी ऑफ द रिटन और स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी रिटन और स्पोकन लैंग्वेज में उसको, जो भी रिपोर्टर है उसको महारत हासिल हो उससे अच्छे से लिखना और बोलना की स्किल्स होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, शी भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, मतलब कोई रिपोर्टर जो है गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है, तो इसलिए शी और ही का यूज़ किया गया है इसमें। ही मस्ट हैव अ नोज फॉर न्यूज़, यानी उसके पास समाचार जानने की क्षमता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, ही मस्ट बी करेंट। करेंट यानी जो, मतलब जो चल रही है घटना वर्तमान में। एंड कीप अप्रेस्ट ऑफ इवेंट्स एंड हैपनिंग, यानी उसे वर्तमान में रहना चाहिए और घटनाओं के बारे में जानकारी रखनी चाहिए,
ठीक है, वर्तमान में जो घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में जानकारी होना चाहिए, वो अवेयर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट फोर्थ, अ गुड रिपोर्टर मस्ट बी फेयर। एक अच्छा रिपोर्टर को फेयर होना चाहिए, एक्यूरेट सटीक होना चाहिए एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, साथ साथ निष्पक्ष ता भी उसके अंदर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, मतलब अगर दो पॉलिटिशियन पार्टी हैं उसमें से किसी एक ही पार्टी के लिए बारे में वो बोल रहा है, उसकी ही तारीफ करे जा रहा है ना, तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। ठीक है, यानी एक अच्छे रिपोर्टर को निष्पक्ष सटीक और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। फिफ्थ है हमारा अ गुड रिपोर्टर मस्ट बी क्रिएटिव, यानी एक जो रिपोर्टर है उसको, एक अच्छे रिपोर्टर को क्रिएटिव होना चाहिए, है ना, क्रिएटिविटी उसके अंदर होना चाहिए, नई नई चीज़ों को मतलब क्रिएट करने की क्रिएटिविटी होना चाहिए, ठीक है, रिपोर्टर के अंदर। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट सिक्स, ही मस्ट ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू ड्रेस वेल। उसके अंदर ड्रेस मतलब वेल ड्रेसिंग की भी, कपड़े पहनने की भी तरीका समझ होना चाहिए, ठीक है, उसमें अच्छे कपड़े पहनने की भी क्षमता होनी चाहिए। सेवेंथ है हमारा अ गुड रिपोर्टर मस्ट हैव परसिवियरेंस, यानी जो एक अच्छा रिपोर्टर है पत्रकार में दृढ़ता भी होना चाहिए, ठीक है, परसिवियरेंस मतलब होता है दृढ़ता, ठीक है, तो दृढ़ता भी उसके अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट एट, ही मस्ट हैव अ हाई लेवल ऑफ कंपोर्टमेंट, यानी उसे क्या होना चाहिए, उसके पास उच्च स्तर का सहयोग होना चाहिए। एट है क्रिएटिव रिस्क एंड करेज, यानी रचनात्मक जोखिम लेने का उसके अंदर साहस भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है एबिलिटी टू फरेट आउट न्यूज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग पीपल एंड इवेंट्स, लोगों और घटनाओं की निगरानी की प्रक्रिया के माध्यम से समाचार निकालने की क्षमता होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है, एबिलिटी होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा गुड ऑब्जर्वेटरी स्किल्स एंड हैव एन आई फॉर डिटेल्स। उसके पास अच्छी वेधशाला कौशल मतलब ऑब्जर्व करने का कौशल होना चाहिए और विवरणों पर नज़र होनी चाहिए, ठीक है, और मतलब देखकर ही ऑब्जर्व कर ले कि ये क्या क्या घटना है, इस टाइप का ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, ही मस्ट बी अ गुड लिसनर, ठीक है, गुड लिसनर, एक अच्छा लिसनर होना चाहिए एंड मस्ट हैव एन अनयूजुअल पेशेंस, यानी उसके अंदर पेशेंस की कमी नहीं हो, ठीक है, अनयूजुअल पेशेंस होना चाहिए, मतलब उसे एक अच्छा लिसनर श्रोता होना चाहिए और उसमें असामान्य धैर्य होना चाहिए। 12 है पॉइंट, ही शुड ऑल्सो पोसेस इनफ आइडियलिज्म, यानी उसमें पर्याप्त आदर्शवादिता भी होना चाहिए। अ गुड एंड मॉडर्न रिपोर्टर मस्ट बी मल्टी स्किल्ड, यानी एक अच्छे और मॉडर्न रिपोर्टर को बहुकौशल होना चाहिए, ठीक है, एक मतलब जो अब मॉडर्न ज़माने में मतलब इतना ज़माना मॉडर्न हो गया है तो उसको भी मल्टी स्किल्ड होना चाहिए, कई स्किल्स आना चाहिए, ठीक है, रिपोर्टर को। 14 है अ गुड एंड मॉडर्न रिपोर्टर मस्ट ऑल्सो हैव द यूनिक क्वालिटी कॉल्ड इंटरप्राइज, यानी जो एक रिपोर्टर है एक अच्छे और आधुनिक पत्रकार में उद्यम नामक आदित्य गुण भी होना चाहिए। 15 लास्ट इसके अंदर क्वालिटी क्या होना चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर, यानी चरित्र की मजबूती भी होना चाहिए। तो ये कुछ कह सकते हैं कुछ क्वालिटीज़, वैसे तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, है ना, आप जब क्वेश्चन हम देखेंगे तो काफ़ी अलग अलग टाइप की क्वालिटीज़ भी आएंगी, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, तो ये तो होना ही चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम अपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब, यानी वर्णन करना द फीचर्स और एट्रीब्यूट्स डिटरमिनिंग वेदर एन इवेंट और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोटवर्थी एंड वर्थी ऑफ पब्लिकेशन। यानी क्या हुआ, कौन सा शब्द उन विशेषताओं या गुणों का वर्णन करने के लिए यूज़ किया जाता है जो ये निर्धारित करते हैं कि कोई घटना या जानकारी उल्लेखनीय है और प्रकाशन के योग्य है, मतलब उसको न्यूज़ बनाने के योग्य है। ऐसे कौन सी गुण और विशेषताएं होती हैं न्यूज़ में जो ये बताती हैं कि हाँ ये न्यूज़ बनाने के योग्य है। ऑप्शन है इसमें ए न्यूज़ क्राइटेरिया यानी समाचार मानदंड, बी टाइमलीनेस यानी समयबद्धता, सी प्रॉक्सिमिटी यानी निकटता, डी नॉवेलिटी नवीनता।
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। न्यूज़ क्राइटेरिया जो होता है ना, समाचार मानदंड, वही हमें बताते हैं कि ये न्यूज़ नोट करने लायक है या नहीं है, मतलब प्रकाशन पब्लिश करने लायक है या नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, न्यूज़ क्राइटेरिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर टू, विच न्यूज़ वैल्यू इम्फेसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसेंट इवेंट्स कॉमा मेकिंग देम वैल्यूएबल ड्यू टू देयर करेंट नेचर। यानी कौन सा समाचार मूल्य, यानी न्यूज़ वैल्यू, कौन सा न्यूज़ वैल्यू हाल ही की घटनाओं के महत्व पर जोर देता है और उनकी वर्तमान प्रकृति के कारण उन्हें मूल्यवान बनाता है। हाल ही की न्यूज़ पर कौन जोर देता है? ऑप्शन इसमें ए प्रॉक्सिमिटी, बी इम्पैक्ट, प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है निकटता, ठीक है, बी इम्पैक्ट उसका प्रभाव, सी टाइमलीनेस यानी समयबद्धता, मैंने बताया था टाइमलीनेस क्या होता है ना, डी कॉन्फ्लिक्ट या कंट्रोवर्सी यानी संघर्ष या विवाद। तो सेकंड का हमारा आंसर होगा सी टाइमलीनेस, ठीक है, आंसर सी। इजी क्वेश्चन था, आप अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे तो इजीली आंसर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डज द न्यूज़ वैल्यू ऑफ प्रॉक्सिमिटी रेफर टू इन अ स्टोरी। यानी किसी कहानी में निकटता का समाचार मूल्य क्या दर्शाता है, निकटता यानी प्रॉक्सिमिटी जो होती है वो क्या दर्शाती है, ये बताना है। ऑप्शन है इसमें ए ज्योग्राफिकल और कल्चर क्लोजनेस टू द ऑडियंस, यानी ऑडियंस दर्शकों से भौगोलिक या सांस्कृतिक निकटता, बी है इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स पर प्रभाव पड़ना, सी है इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेल नॉन इंडिविजुअल्स यानी प्रसिद्ध व्यक्तियों की भागीदारी, डी है अनयूजल और रेयर इवेंट्स यानी असामान्य और दुर्लभ घटनाएं। तो प्रॉक्सिमिटी का मैंने आपको पहले बताया था कि जो घटना आपके करीब होती है ना उसकी न्यूज़ वैल्यू आपके लिए ज़्यादा होती है। तो ज्योग्राफिकल एरिया का एग्जांपल दिया था कि अगर आपके शहर में कोई घटना होगी है ना, तो आप उस घटना में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, ना कि किसी दूसरे देश के शहर में होगी तो उसमें, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल और कल्चर क्लोजनेस टू द ऑडियंस, ऑडियंस के साथ ज्योग्राफिकल और कल्चर क्लोजनेस होती है प्रॉक्सिमिटी में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाई आर स्टोरीज इन्वॉल्विंग वेल नॉन इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस ऑफ्टन डीम्ड मोर न्यूज़वर्थी। यानी जो हमारी जाने माने व्यक्तियों या संस्थाओं से जुड़ी कहानियाँ अक्सर अधिक समाचार योग्य क्यों समझी जाती हैं, ठीक है। मैंने कहा था कि अगर किसी सेलिब्रिटी है जिसको हम फॉलो करते हैं है ना, उसके बारे में अगर कोई न्यूज़ आती है तो हम ज़्यादा उसके में इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है इसमें ए क्रेडिबिलिटी, बी प्रॉक्सिमिटी, सी प्रोमिनेंस, डी ह्यूमन इंटरेस्ट। तो फोर्थ का हमारा आंसर होगा सी प्रोमिनेंस यानी प्रमुखता, ठीक है। प्रमुख लोगों से हमारी निकटता ज़्यादा होती है, जैसे कि कोई भी हमारा हम फॉलो करते हैं किसी को, या फिर कोई भी इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी या क्रिकेटर जिसको हम फॉलो करते हैं उससे रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ आती है तो हम उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, है ना, तो उसकी न्यूज़ वैल्यू बढ़ जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी प्रोमिनेंस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव, What adds drama and tension to a story, making it more compelling for audience according to the mentioned news value। यानी उल्लेखित समाचार मूल्य के अनुसार, यानी न्यूज़ वैल्यू के अनुसार कहानी में नाटकीयता या ड्रामापन और तनाव क्या है जो इसे दर्शकों के लिए अधिक आकर्षक बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें ए क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता, बी ह्यूमन इंटरेस्ट, सी कॉन्फ्लिक्ट एंड कंट्रोवर्सी यानी संघर्ष या विवाद, डी कॉन्सिक्वेंस या सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं यानी परिणाम या महत्व। तो फिफ्थ का हमारा आंसर हो जाएगा सी कॉन्फ्लिक्ट या कंट्रोवर्सी चल रही है। मैंने एग्जांपल भी दिया था पाकिस्तान और इंडिया के मैच पर, है ना, पाकिस्तान वेस्ट इंडिया पर मैच अगर होता है तो लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, अगर किसी और के देश के बीच होगा तो उसमें नहीं लेंगे, पर अगर इंडिया और पाकिस्तान में अगर मैच होगा तो वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जाएगा, है ना। तो ये एक ये इस पर कॉन्फ्लिक्ट और कंट्रोवर्सी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, अगर किसी में कंट्रोवर्सी या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसकी न्यूज़ पर, उससे रिलेटेड न्यूज़ पर लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ न्यूज़ गैथरिंग। ये हम फर्स्ट जो यूनिट है उसमें, सेकंड या फर्स्ट में हम बहुत अच्छे से न्यूज़ गैथरिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्राइमरी गोल क्या होता है न्यूज़ गैथरिंग इन जर्नलिज्म, जर्नलिज्म में न्यूज़ गैथरिंग यानी न्यूज़ समाचार को इकट्ठा करने का, उसकी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने का प्राइमरी गोल क्या होता है। ऑप्शन है इसमें ए, एंटरटेन द ऑडियंस, ऑडियंस को एंटरटेन करना। सी, प्रमोट पर्सनल ओपिनियंस यानी व्यक्तिगत राय को प्रमोट करना। बी, इन्फॉर्म द पब्लिक, पब्लिक को, जनता को सूचित करना। डी, बूस्ट सोशल मीडिया इंगेजमेंट यानी सोशल मीडिया सहभागिता को बढ़ावा देना। तो सिक्स का हमारा आंसर हो जाएगा बी, ये ऊपर नीचे हो गए हैं ऑप्शन, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आंसर क्या होगा, इन्फॉर्म द पब्लिक, पब्लिक को इन्फॉर्म करना। न्यूज़ गैदरिंग का क्या मतलब होगा, अगर हम इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, है ना, न्यूज़ देंगे, फिर तो फिर पब्लिक को क्या मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, है ना, तो जनता को सूचित करना। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू रिपोर्टर्स टिपिकली आइडेंटिफाई पोटेंशियल न्यूज़ स्टोरीज इन द न्यूज़ गैथरिंग प्रोसेस। यानी समाचार संलग्न जो होता है, संकलन बोलते हैं, समाचार संकलन न्यूज़ गैथरिंग प्रोसेस को, है ना। समाचार संकलन प्रक्रिया में पत्रकार आमतौर पर संभावित समाचारों की पहचान कैसे करते हैं। ऑप्शन है इसमें ए, कंडक्टिंग इंटरव्यूज, इंटरव्यू को आयोजित कराकर। बी है अटेंडिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस को में भाग लेकर। सी है मॉनिटरिंग सोशल मीडिया प्रेस रिलीजेस एंड टिप्स, यानी सोशल मीडिया प्रेस विज्ञापितियों और युक्तियों की निगरानी करना। डी है कोलैबोरेटिंग विद अदर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन यानी अन्य मीडिया संगठनों के साथ सहयोग करना। तो 7 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, मॉनिटरिंग सोशल मीडिया प्रेस रिलीजेस एंड टिप्स, यानी सोशल मीडिया प्रेस विज्ञापितियों और युक्तियों की निगरानी करना, ठीक है। अगर हम इन चीज़ों पे नज़र रखेंगे तो हमें न्यूज़ मिलेंगी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलेंगी। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वॉट इज़ द पर्पस ऑफ वेरीफिकेशन इन द न्यूज़ गैदरिंग प्रोसेस। यानी समाचार संकलन यानी न्यूज़ गैदरिंग प्रोसेस में सत्यापन का उद्देश्य, वेरिफिकेशन का उद्देश्य क्या होता है। वेरिफिकेशन हम बहुत बार पढ़ चुके हैं पिछली यूनिट्स में कि अगर हमारा वेरिफिकेशन हमने किया है तो हमारी जो न्यूज़ है वो क्या होगी, एक्यूरेट होगी, बैलेंस वाली होगी और कंफर्म होगी, ठीक है। तो ऑप्शन है इसमें ए, टू एंटरटेन द ऑडियंस, ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए वेरिफिकेशन करना चाहिए। बी है टू कंफर्म फैक्ट्स एंड इंश्योर एक्यूरेसी, यानी तथ्यों की पुष्टि करना और सटीकता सुनिश्चित करना कि एक्यूरेट है हमारी न्यूज़ या नहीं है। सी है टू बिल्ड द नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट्स, यानी संपर्कों का एक नेटवर्क बनाना। डी है टू अडेप्ट द चेंजिंग सिचुएशन, यानी बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलना। तो 8th का हमारा क्या आंसर होगा, बी, टू कन्फर्म फैक्ट्स एंड इंश्योर एक्यूरेसी, यानी वेरिफिकेशन अगर हम कर रहे हैं तो उससे हमारे जो तथ्य हैं वो कन्फर्म हो जाएंगे और ये इंश्योर हो जाएगा कि एक्यूरेट है वो हमारी न्यूज़, जो भी न्यूज़ है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन रिपोर्टर्स लेवरेज डिजिटल टूल्स एंड सोशल मीडिया इन न्यूज़ गैदरिंग। यानी रिपोर्टर्स जो होते हैं न्यूज़ गैदरिंग में डिजिटल टूल और सोशल मीडिया का लाभ कैसे उठा सकते हैं। ऑप्शन है इसमें ए, बाय अटेंडिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। बी है बाय कंडक्टिंग थ्रू रिसर्च, यानी रिसर्च के थ्रू मतलब गहन शोध करके। सी है बाय मॉनिटरिंग ब्रेकिंग न्यूज़ एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स, यानी ब्रेकिंग न्यूज़ और जो ट्रेंड्स चलते हैं उनकी निगरानी रखकर। डी है बाय कोलैबोरेटिंग विद अदर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो अन्य मीडिया संगठनों के साथ सहयोग करके। तो 9th का आंसर होगा हमारा सी, बाय मॉनिटरिंग ब्रेकिंग न्यूज़ एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स। हम मतलब कोई न्यूज़ रिपोर्टर पत्रकार है तो वो डिजिटल टूल्स और सोशल मीडिया का यूज़ मतलब लाभ कैसे उठा सकता है इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, तो वो क्या कर सकता है, ब्रेकिंग न्यूज़ पर ध्यान दे और जो ट्रेंड्स वगैरह चल रहे हैं उन पर फोकस करे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे इंफॉर्मेशन हमारे पास इकट्ठा हो जाएंगी, ठीक है, न्यूज़ गैदरिंग कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
वाई इज़ अंडरस्टैंडिंग रीडर्स इंटरेस्ट एसेंशियल इन न्यूज़ रिपोर्टिंग, यानी समाचार रिपोर्टिंग में पाठकों की रुचियों को समझना क्यों आवश्यक है, कि जो हमारे न्यूज़पेपर, मान लो जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं लोग, ठीक है, उनका इंटरेस्ट किस में है, ऑडियंस का इंटरेस्ट किस में है, ये समझना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ऑप्शन है इसमें ए टू एंटरटेन द ऑडियंस, ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए। बी है टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन यानी जनमत को प्रभावित करना। सी है टू फास्टर कम्युनिटी इंगेजमेंट, यानी पत्रकारिता मतलब सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देना, ठीक है, समुदाय जो कम्युनिटी का जो जुड़ाव होता है उसको बढ़ावा देने के लिए। डी है टू फॉलो जर्नलिस्टिक ट्रेंड, यानी जो जर्नलिस्टिक पत्रकारिता का जो ट्रेंड होता है उसको फॉलो करने के लिए। तो टेंथ का हमारा आंसर होगा सी टू फास्टर कम्युनिटी इंगेजमेंट, यानी सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डज रिलेवेंस कंट्रीब्यूट टू द वैल्यू ऑफ न्यूज़ रिपोर्टिंग, यानी प्रासंगिकता समाचार रिपोर्टिंग के मूल्य में कैसे योगदान देती है। ऑप्शन है इसमें ए बाय प्रोवाइडिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, यानी विविध दृष्टिकोण प्रदान करके, अलग अलग टाइप के जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको प्रदान करके। बी है बाय अलाइनिंग विद रीडर्स कंसर्न एंड इंटरेस्ट, यानी पाठकों की चिंताओं और रुचियों के साथ जुड़कर। सी है बाय अडेप्टिंग टू चेंजिंग मीडिया कंजप्शन हैबिट्स, यानी मीडिया उपभोग की बदलती आदतों के अनुकूल ढलकर। डी है बाय शेडिंग लाइट ऑन सोशल इशू, यानी सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालकर। तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा बी बाय अलाइनिंग विद रीडर्स कंसर्न एंड इंटरेस्ट, यानी जो हमारे रीडर्स हैं, पढ़ने वाले हैं न्यूज़ वगैरह, उनकी रुचियों पर ध्यान देकर, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट रोल रीडर्स इंगेजमेंट प्ले इन क्रिएटिंग अ वाइब्रेंट मीडिया लैंडस्केप, ठीक है, वाइब्रेंट मीडिया लैंडस्केप, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो मीडिया का लैंडस्केप है, ठीक है, उसके लैंडस्केप बनाने में जो पाठक होते हैं, रीडर्स होते हैं, ठीक है, जो पढ़ने वाले होते हैं हमारे न्यूज़, की भागीदारी क्या भूमिका निभाती है, रीडर्स की भागीदारी क्या भूमिका निभाती है मीडिया लैंडस्केप में। तो ऑप्शन है इसमें ए इट इंक्रीज फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, यानी यह वित्तीय स्थिरता को बढ़ाता है। बी है इट फॉस्टर अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, यानी ये समुदाय की भावना को बढ़ावा देता है। सी है इट इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, ये पब्लिक की राय को मतलब पब्लिक की जो भी जनमत होता है, जनमत भी कह सकते हैं, उनकी राय भी बोल सकते हैं, उसको प्रभावित करता है। डी है इट कैटरस टू डाइवर्स पर्सपेक्टिव सिटी, यानी यह विविध दृष्टिकोणों को पूरा करता है। तो 12 का हमारा आंसर होगा बी इट फॉस्टर अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, यानी ये समुदाय की भावना को बढ़ावा देता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई इज अडेप्टेशंस टू रीडर्स इवॉल्विंग इंटरेस्ट क्रूशियल फॉर न्यूज़ आउटलेट्स, यानी क्या हुआ इसका मतलब, कि जो समाचार आउटलेट्स के लिए जो रीडर्स की बदलती इंटरेस्ट रुचियों के अनुकूलन में ढलना क्यों महत्वपूर्ण है, जो रीडर्स हैं उनके अनुकूलन में ढलना क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे कि रीडर्स जो हमारे पढ़ने वाले हैं न्यूज़, किसी को कुछ पसंद आता है किसी को, तो उसको स्वीकार करना और उसमें ढलना क्यों ज़रूरी है। ऑप्शन है इसमें ए टू एंटरटेन द ऑडियंस, ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए। बी टू फॉस्टर कम्युनिटी इंगेजमेंट, यानी जो हमारा समुदाय है, समुदाय जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए। सी है टू मेंटेन जर्नलिस्टिक इंटेग्रिटी, पत्रकारिता की अखंडता को बनाए रखने के लिए। डी है टू स्टे रेलेवेंट इन अ चेंजिंग मीडिया लैंडस्केप, यानी बदलते मीडिया परिदृश्य में प्रासंगिक बने रहने के लिए। तो 13 का हमारा आंसर होगा डी। अगर हम जो रीडर्स मतलब जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके इंटरेस्ट से जुड़कर ही हम कुछ भी पब्लिश करेंगे तो क्या होगा, हम बदलते मीडिया परिदृश्य में प्रासंगिक बने रहेंगे हम, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट क्वालिटी सर्व्स एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर रिपोर्टर्स फ्यूलिंग देयर इन्वेस्टिगेटिव स्पिरिट, यानी क्या हुआ, कौन सा गुण रिपोर्टर्स के लिए
प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करता है जो उनकी खोजी भावना को बढ़ाता है। इन्वेस्टिगेटिव जो भावना फीलिंग होती है इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने की, उसको बढ़ाता है। ऑप्शन इसमें टाइम मैनेजमेंट होता है, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। इन्होंने तो ये कहा है कि प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करता है और जो इन्वेस्टिगेशन की जो भावना होती है, खोजने की भावना, उसको बढ़ाता है, तो टाइम मैनेजमेंट तो होगा नहीं। इसका आंसर बी है क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच, सी है अडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलनशीलता, डी है क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। तो 14 का हमारा आंसर होगा डी, क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। हमें किसी भी चीज़ को जानने की, खोजने की जिज्ञासा जो है, वही इन्वेस्टिगेशन जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, खोज करने की आदत, उसको बढ़ाता है। अगर हमें किसी चीज़ में जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, तो हम उसके बारे में खोज करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई आर स्ट्रॉन्ग वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल फंडामेंटल फॉर रिपोर्टर्स, यानी क्या हुआ इसका मतलब, रिपोर्टर्स के लिए मजबूत मौखिक और लिखित संचार कौशल क्यों मौलिक है, क्यों ज़रूरी है। मतलब उनको लिखना, अच्छे से लिखना और मतलब और लिखना और बोलना आना चाहिए रिपोर्टर्स को, ये उनके लिए क्यों ज़रूरी है। ऑप्शन है इसमें ए, टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली यानी समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए, बी है टू अपहोल्ड इथिकल इंटेग्रिटी यानी नैतिक अखंडता को बनाए रखने के लिए, सी है टू आर्टिकुलेट आइडियाज एंड राइट इंगेजिंग स्टोरीज यानी विचारों को स्पष्ट करना और आकर्षक कहानियाँ लिखने के लिए, डी है टू बिल्ड आ नेटवर्क ऑफ कॉन्टेंट्स यानी संपर्कों का एक नेटवर्क बनाने के लिए। तो 15 का हमारा आंसर होगा सी, टू आर्टिकुलेट आइडियाज एंड राइट इंगेजिंग स्टोरीज, यानी अगर हमें मतलब एक राइटर सॉरी एक रिपोर्टर को लिखना अच्छे से आना चाहिए और बोलना भी, तो इससे क्या होगा, विचारों का स्पष्ट हो पाएंगे और आकर्षक कहानियाँ लिख पाएंगे वो, ठीक है, राइट इंगेजिंग स्टोरीज। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वॉट इज क्रूशल फॉर प्रेजेंटिंग अ बैलेंस्ड एंड वेल इन्फॉर्म्ड नैरेटिव इन रिपोर्टिंग, यानी रिपोर्टिंग में संतुलित और अच्छी तरह से सूचित कथा प्रस्तुत करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ठीक है, बैलेंस्ड और वेल इन्फॉर्म्ड जो कहानी है उसको लिखने मतलब उसको रिपोर्ट करने के लिए क्या ज़रूरी है। ऑप्शन है इसमें ए, वर्सेटिलिटी यानी बहुमुखी प्रतिभा, बी नेटवर्किंग यानी नेटवर्किंग जो होती है ना, एक दूसरे से जुड़ना इस टाइप से, सी है क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच, डी है रिसर्च स्किल्स यानी शोध कौशल, रिसर्च करने का स्किल, ठीक है। तो इन्होंने संतुलित और अच्छी तरह से सूचित कथा प्रस्तुत करने के लिए कहा है, तो हमें क्या आना चाहिए, अगर हमें अच्छी से संतुलित और सूचित कथा प्रस्तुत करनी है तो 16 का हमारा आंसर होगा सी, क्रिटिकल थिंकिंग आना चाहिए हमें, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आलोचनात्मक सोच, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, Why is adaptability important for reporters in the field of journalism? यानी प्रभावी ढंग मतलब जो पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारों के मतलब जर्नलिस्ट के लिए अनुकूलनशीलता क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, रिपोर्टर्स के लिए अडेप्टबिलिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, ये बताना है जर्नलिज्म के फील्ड में। ऑप्शन है इसमें ए, टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली यानी प्रभावी ढंग से समय का प्रबंधन करना, बी टू अपहोल्ड इथिकल इंटेग्रिटी यानी इथिकल नैतिक अखंडों को बनाए रखना, सी है टू नेविगेट चेंजिंग सिचुएशंस बदलती परिस्थितियों को नेविगेट करने के लिए, डी है टू बिल्ड आ नेटवर्क ऑफ कंटेंट्स यानी संपर्कों का एक नेटवर्क बनाने के लिए। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, अनुकूलता अडेप्टेबिलिटी की यहाँ बात हो रही है, इसमें आएगा आंसर सी, टू नेविगेट चेंजिंग सिचुएशंस यानी बदलती परिस्थितियों के साथ नेविगेट करने के लिए यानी ढलने के लिए, ठीक है, इसलिए ज़रूरी होती है अनुकूलता, ताकि कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो हम उसके साथ साथ ढल जाएं, ठीक है, मतलब हर नई चीज़ को स्वीकार कर लें। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डिस्टिंग्विशेस इनफॉर्मल रिपोर्ट्स फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, यानी अनौपचारिक रिपोर्टों को अन्य प्रकार की रिपोर्टों से क्या अलग करता है।
अनौपचारिक जो रिपोर्ट्स होती हैं, डिस्टिंग्विशेस इनफॉर्मल रिपोर्ट्स, ठीक है, इनफॉर्मल रिपोर्ट्स अलग करना, डिस्टिंग्विश मतलब और इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक, ठीक है, तो इसको कैसे अलग करती है। ऑप्शन है इसमें ए, दे आर ब्रीफ एंड इंटरनल, यानी वे संक्षिप्त और आंतरिक होती हैं। बी है दे फॉलो आ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, यानी वे एक संरक्षित फॉर्मेट का पालन करती हैं। तो ये तो आंसर होगा नहीं, यहाँ पर इनफॉर्मल की बात हो रही है, फॉर्मल की बात होती तो ये आंसर हो जाता। सी है दे कैटर टू एक्सटर्नल ऑडियंसेस, यानी वह बाहरी दर्शकों की ज़रूरतों को पूरा करती है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, इससे इनफॉर्मल में कोई अंतर नहीं होता, है ना, फॉर्मल भी ऑडियंस को जो है ज़रूरतों को पूरा करती है। डी है दे केयर कंप्रेहेंसिव एंड फॉर्मल, यानी वे व्यापक और औपचारिक है। तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, दे आर ब्रीफ एंड इंटरनल। ये जो इनफॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं वो क्या होती हैं, छोटी होती हैं, संक्षिप्त होती हैं और आंतरिक होती हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, विच टाइप ऑफ रिपोर्ट इस डिज़ाइंड फॉर एक्सटर्नल ऑडियंस, यानी एक्सटर्नल ऑडियंस के लिए, और हाई लेवल डिसीजन मेकर्स एंड फॉलोज आ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, यानी किसी प्रकार की रिपोर्ट भारी दर्शकों, एक्सटर्नल ऑडियंस या उच्च स्तरीय निर्णय निर्माताओं के लिए डिज़ाइन की गई है, और एक ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है, एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, मतलब एक स्ट्रक्चर का पालन करता है ये, तो कौन सी रिपोर्ट है। ऑप्शन है इसमें ए इनफॉर्मल रिपोर्ट, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, है ना। बी है फॉर्मल रिपोर्ट, यही इसका आंसर होगा क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर की बात की गई है, एक स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, तो फॉर्मल रिपोर्ट जो होती हैं एक स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं, तो यही इसका आंसर होगा। रिसर्च रिपोर्ट नहीं होगा, टेक्निकल रिपोर्ट्स नहीं होगा, फॉर्मल रिपोर्ट जो हैं स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं, आंसर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, इन विच कॉन्टेस्ट आर रिसर्च रिपोर्ट्स कॉमनली फाउंड, यानी शोध मतलब रिसर्च रिपोर्ट आमतौर पर किस संदर्भ में पाई जाती है। रिसर्च की जो रिसर्च रिपोर्ट होती है ये एक टाइप है रिपोर्ट्स का, तो वो किस से रिलेटेड होती है। ऑप्शन है इसमें ए बिजनेस से, बी टेक्निकल से यानी तकनीक से, सी एकेडमिक एंड साइंटिफिक से, डी इन्वेस्टिगेटिव से। तो रिसर्च की बात हो रही है तो ये होगा आंसर सी, एकेडमिक एंड साइंटिफिक चीज़ों में ही तो रिसर्च की जाती है ना, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ कंप्लाइंस रिपोर्ट्स, यानी इनका क्या मतलब हुआ कि अनुपालन रिपोर्ट्स मतलब कंप्लाइंस रिपोर्ट्स का प्राथमिक फोकस क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन है इसमें ए सेल्स परफॉर्मेंस, यानी क्या हुआ परफॉर्मेंस का प्रदर्शन, बिक्री प्रदर्शन, है ना, मतलब परफॉर्मेंस मतलब होता है प्रदर्शन, तो बिक्री का प्रदर्शन करना। बी एडहेरेंस टू रेगुलेशंस पॉलिसीज और स्टैंडर्ड्स, यानी विनियमों नीतियों या मानकों का पालन। सी है प्रोग्रेस अपडेट्स, यानी प्रगति का अपडेट्स, है ना। डी है फाइनेंशियल समरीज। तो 21 का हमारा आंसर है बी, जो हमारी कंप्लाइंस रिपोर्ट्स होती हैं उनका क्या प्राइमरी फोकस होता है। ऑप्शन ये आंसर होगा बी, एडरेंस टू रेगुलेशंस पॉलिसीज और स्टैंडर्ड यानी विनियमों नीतियों या मानकों का पालन, ठीक है। याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, कंप्लाइंस रिपोर्ट्स की, ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट टाइप ऑफ रिपोर्ट प्रोवाइड्स डिटेल्स एनालिसिस ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशंस एंड सर्व एज वैल्यूएबल लर्निंग टूल्स, यानी क्या हुआ इनका मतलब, किस प्रकार की रिपोर्ट विशिष्ट स्थितियों या का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करती है, डिटेल में एनालाइज करती है, कौन सी ऐसी रिपोर्ट है, और जो वैल्यूएबल शिक्षण यानी वैल्यूएबल लर्निंग उपकरण के रूप में कार्य करती है। तो ऑप्शन है इसमें ए फीजेबिलिटी रिपोर्ट्स, मतलब
व्यवहार्यता रिपोर्ट्स, बी है एनुअल रिपोर्ट्स, वार्षिक रिपोर्ट्स, सी है केस अध्ययन, केस स्टडीज, डी है इंसिडेंट रिपोर्ट्स। तो 22 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी पर हम किसी भी मतलब एक विशेष टॉपिक पर विस्तृत डिटेल एनालाइज करते हैं, और साथ साथ ये क्या करता है, ये एक मूल्यवान शिक्षण यानी वैल्यूएबल लर्निंग उपकरण के रूप में भी कार्य करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, केस स्टडी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द फीचर्स और एट्रीब्यूट्स दैट डिटरमाइन वेदर एन इवेंट और इंफॉर्मेशन इज न्यूज वर्थी, यानी उन विशेषताओं या विशेषताओं का वर्णन करने के लिए किस शब्द का यूज किया जाता है जो ये निर्धारित करता है कि कोई घटना जानकारी समाचार योग्य है या नहीं, मतलब न्यूज वर्थी है या नहीं है। कौन सी ऐसी एक विशेषता को वर्णन करता है? ऑप्शन है इसमें ए, जर्नलिस्टिक क्राइटेरिया यानी पत्रकारिता के मानदंड जो भी होते हैं वो, बी है न्यूज़ फैक्टर्स मतलब न्यूज़ के जो कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, सी है रिपोर्टिंग प्रिंसिपल, डी है मीडिया स्टैंडर्ड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, न्यूज़ फैक्टर्स। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा था, उन विशेषताओं या विशेषताओं का वर्णन करने के लिए किस शब्द का यूज़ किया जाता है जो ये निर्धारित करते हैं कि कोई न्यूज़ या कोई घटना जानकार मतलब न्यूज़ है या नहीं है, मतलब समाचार योग्य है नहीं है, तो ये उसके फैक्टर्स बताते हैं, न्यूज़ के फैक्टर्स। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाई इज़ द टाइमलीनेस कंसीडरेट आ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ वैल्यू, यानी जो टाइमलीनेस होता है, टाइम को मतलब मेंटेन रखना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में समझाया ही था आपको, है ना, समयबद्धता बोलते हैं इसको हिंदी में। तो समयबद्धता को एक महत्वपूर्ण समाचार मूल्य क्यों माना जाता है? ऑप्शन है इसमें ए, इट एड्स ड्रामा एंड टेंशन टू आर स्टोरी, ये कहानी में नाटक और तनाव को जोड़ता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, है ना। बी है इट रिजनेट्स विद द ऑडियंसेस इमोशंस, यानी ये दर्शकों की भावनाओं से मेल खाता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। सी है इट एड्रेसेस द ऑडियंस इमीडिएट इंटरेस्ट इन रिसेंट इवेंट्स, यानी तुरंत के इवेंट्स में जो अगर तुरंत कोई घटना होती है, हाल ही में कोई घटनाओं होती है, तो उसमें ऑडियंस ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है ना, तो उसकी न्यूज़ वैल्यू क्यों बढ़ जाती है, ये हाल ही की घटनाओं में ऑडियंस की तत्काल रुचि को संबोधित करता है, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, हाल ही की घटनाओं में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है लोगों का, ना कि बासी न्यूज़ में, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस की बात हो रही है, ये तो इसका आंसर होगा ही नहीं वैसे भी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डिस्टिंग्विशेस यानी अलग करता है फॉर्मल रिपोर्ट्स फ्रॉम इनफॉर्मल रिपोर्ट्स, फॉर्मल रिपोर्ट्स को कैसे अलग कर सकते हैं हम इनफॉर्मल रिपोर्ट्स से, क्या चीज़ अलग करती है इनको, ये बताना है। ऑप्शन है इसमें ए, दे आर ब्रीफ एंड इंटरनल, मतलब ये संक्षिप्त और आंतरिक है। बी है दे आर डिज़ाइन फॉर एक्सटर्नल ऑडियंस, यानी एक्सटर्नल बाहरी दर्शकों के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। सी है दे आर कॉम्प्रेहेंसिव एंड स्ट्रक्चर्ड, यानी ये व्यापक और संरचित है, स्ट्रक्चर्ड है, तो ये तो और इनफॉर्मल होती है ना, मतलब फॉर्मल होती है, स्ट्रक्चर्ड है ना। डी है दे फॉलो आ कैजुअल टोन एंड स्ट्रक्चर, यानी एक ये एक आकस्मिक स्वर यानी टोन को फॉलो करता है और स्ट्रक्चर होता है। तो फॉर्मल रिपोर्ट्स के बारे में हमें बताना है, तो फॉर्मल रिपोर्ट्स में सही बैठ रहा है आंसर सी। दे आर कॉम्प्रहेंसिव यानी ये एक व्यापक होता है और साथ साथ स्ट्रक्चर्ड भी होता है। ठीक है, फॉर्मल रिपोर्ट्स और इनफॉर्मल में यही अंतर है कि फॉर्मल रिपोर्ट जो होती है स्ट्रक्चर होता है इसका एक, ठीक है, और इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। तो फॉर्मल रिपोर्ट्स के बारे में बताना है तो स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्रहेंसिव होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। ये तो हमारी ये वाला जो ऑप्शन था ये तो इनफॉर्मल की बात हो रही थी यहाँ पर, है ना, तो आंसर इसका क्या होगा सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाई आर स्टोरीज इन्वॉल्विंग वेल नोन इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस कंसीडरेट मोर न्यूज़ वर्थी, यानी जाने माने व्यक्तियों या संस्थाओं से जुड़ी कहानियों को अधिक समाचार योग्य क्यों माना जाता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, अगर किसी
जाने माने व्यक्तियों की से रिलेटेड कोई घटना होती है तो उसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, है ना, तो मोर न्यूज़ वर्थी होती है वो न्यूज़। तो ऑप्शन देख लेते हैं अब हम इसमें। ए है दे फोकस ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, ये व्यक्तिगत अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करता है। बी है दे एड्रेस द ऑडियंस इमीडिएट इंटरेस्ट, यानी जो ऑडियंस है दर्शकों का इमीडिएट तत्काल तुरंत रुचि को संबोधित करता है। सी है दे अट्रैक्ट अटेंशन ड्यू टू द प्रोमिनेंस ऑफ द पीपल और एंटिटीज इन्वॉल्व, यानी इसका मतलब क्या हुआ, वे इसमें शामिल लोगों या संस्थाओं की प्रमुखता के कारण ध्यान आकर्षित करता है। डी है दे चैलेंज एस्टैब्लिश नॉर्म्स, यानी वे स्थापित मानदंडों को चुनौती देते हैं। तो 26 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, प्रोमिनेंस इसमें वर्ड आ रहा है, ये आंसर आपको अलग ही तरीके से दिख जाएगा, है ना। मैंने बताया अभी था कि अगर हम जिनको फॉलो करते हैं या कोई सेलिब्रिटी क्रिकेटर कोई भी है उनसे रिलेटेड अगर न्यूज़ आती है तो हम उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी, वाई आर स्टोरी इन्वॉल्विंग वेल नोन इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस कंसीडरेट मोर न्यूज़ वर्थी, यानी जाने माने व्यक्तियों या संस्थाओं से जुड़ी कहानियों को अधिक समाचार योग्य क्यों माना जाता है, क्योंकि क्या करते हैं ये इसमें शामिल लोग और प्रमुखता के कारण वो हमारे लिए प्रमुख होते हैं इसलिए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हाउ डस कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्रोवर्सी, संघर्ष और कॉन्ट्रोवर्सी यानी विवाद कॉन्ट्रीब्यूट टू द न्यूज़ वैल्यू ऑफ अ स्टोरी, यानी संघर्ष और विवाद किसी कहानी के समाचार मूल्य में कैसे योगदान देता है। मैंने बताया था अगर किसी भी देश में या लोगों में संघर्ष है, है ना, मान लो दो सेलिब्रिटी में लड़ाई वगैरह चल रही है, अनबन चल रही है, तो उनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है तो लोग उसको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, है ना। तो संघर्ष और कॉन्फ्लिक्ट में ड्रामा वगैरह होता है ना, तो ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जाता है। तो ऑप्शन इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन है इसमें ए, इट एड्स ड्रामा एंड टेंशन, यानी ये नाटक में मतलब ये क्या ऐड करता है, ड्रामा और टेंशन ऐड करता है। बी है इट फोकस ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, ये पर्सनल एक्सपीरियंस पर फोकस करता है। सी है इट रेजोनेट्स विद द इमोशनल साइड ऑफ न्यूज़ कंज्यूमर्स, यानी ये समाचार उपभोक्ताओं की भावनात्मक पक्ष से मेल खाता है। डी है टू इट एड्रेस द ऑडियंस इमीडिएट इंटरेस्ट, यानी जो इमीडिएट तत्काल रुचि को संबोधित करता है दर्शकों की। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया था कि ये ड्रामा क्रिएट करता है और टेंशन क्रिएट करता है, ठीक है। अगर किसी दो लोगों के बीच संघर्ष है ना, तो उसकी न्यूज़ में ड्रामा देखने को मिलेगा। हम उसमें इंटरेस्ट भी इसी लेते हैं कि हम नई नई बातें, मतलब इसमें कुछ ड्रामा टाइप का मिलेगा हमें। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, इट एड्स ड्रामा एंड टेंशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डू ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज प्राइमरीली अपील टू, यानी मानवीय रुचि की कहानियाँ मुख्यतः किस चीज़ को आकर्षित करती हैं। ह्यूमन इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर। ऑप्शन है इसमें ए, ज्योग्राफिकल और कल्चरल क्लोजनेस को, ज्योग्राफिकल और कल्चर क्लोजनेस को संबोधित करती हैं, ये तो आंसर होगा नहीं। बी है इमोशनल साइड ऑफ न्यूज़ कंज्यूमर, न्यूज़ कंज्यूमर मतलब समाचार जो कंज्यूम कर रहा है उसकी भावनात्मक पक्ष को दिखाती हैं। सी है यूनिकनेस एंड रेयरिटी ऑफ इवेंट्स, यानी घटनाओं की विशिष्टता और दुर्लभता को दिखाता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। डी है इम्पैक्ट ऑफ अ स्टोरी ऑन इंडिविजुअल्स आर कम्युनिटीज, व्यक्तियों और समुदायों पर कहानी का प्रभाव, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, इमोशनल साइड ऑफ न्यूज़ कंज्यूमर्स, जो ह्यूमन इंटरेस्ट है स्टोरी में तो वो क्या होता है, इमोशनल साइड ऑफ न्यूज़ कंज्यूमर, न्यूज़ कंज्यूमर का इमोशनल भावनात्मक पक्ष लेती है, मतलब उससे रिलेट करती है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाई डू अनयूजुअल और रेयर इवेंट्स कैप्चर अटेंशन एंड इनहेंस न्यूज़ वैल्यू, यानी असामान्य और दुर्लभ घटनाएं ध्यान क्यों आकर्षित करती हैं और समाचार का वैल्यू क्यों बढ़ाती हैं। तो अगर मैंने एग्जांपल स्टार्टिंग में ही दिया था कि अगर किसी देश में कभी बर्फबारी नहीं हुई है, स्नोफॉल नहीं हुई है और वहाँ पर पहली बार स्नोफॉल हो जाती है, तो ये सिर्फ उस देश के लिए ही नहीं बहुत बड़ी बात होगी, बल्कि
पूरे विश्व के साइंटिस्ट के लिए और सभी लोगों के लिए बड़ी बात होगी कि हाँ वहाँ उस देश में कभी बर्फ़ नहीं गिरी और इस बार बर्फ़ गिर रही है, तो इसलिए वो एक बड़ी न्यूज़ हो जाएगी। ठीक है, सब उसमें इंटरेस्ट लेंगे, अरे ये क्या हो गया, ये तो बहुत रेयर केस है ना, अनयूजुअल केस है, तो सब इसलिए उसमें इंटरेस्ट लेते हैं सब लोग। तो ऑप्शन इसमें देख लेते हैं, दे चैलेंज इस्टेब्लिश नॉर्म्स, यानी वे स्थापित मानदंडों को चुनौती देते हैं। बी है दे रेजोनेट विद द इमोशनल साइड ऑफ न्यूज़ कंज्यूमर्स, यानी न्यूज़ कंज्यूमर के भावनात्मक पक्ष से मेल खाते हैं। सी है दे एड्रेस द ऑडियंसेस इमीडिएट इंटरेस्ट, यानी ऑडियंस का तत्काल इंटरेस्ट को संबोधित करते हैं। डी है दे ऑफर अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, यानी ये एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। तो यही इसका आंसर होगा डी, क्योंकि अगर कोई अनयूजुअल और रेयर इवेंट घटना हो रही है तो ये एक नया दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इनहेंस द रिलेवेंस ऑफ अ न्यूज स्टोरी, किसी समाचार की प्रासंगिकता क्या बढ़ाती है। ऑप्शन है इसमें ए प्रॉक्सिमिटी टू द ऑडियंस, यानी दर्शकों से निकटता। बी है नोवेटी एंड रेयरिटी, नोवेल्टी एंड रेयरिटी यानी नवीनता और दुर्लभता। सी है ऑन गोइंग रेलेवेंस टू करेंट इंटरेस्ट एंड कंसर्न्स, यानी वर्तमान हितों और चिंताओं के लिए निरंतर प्रासंगिकता। डी है इमोशनल अपील, यानी भावात्मक अपील। तो 30 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, ऑन गोइंग रेलेवेंस टू करेंट इंटरेस्ट एंड कंसर्न्स, आंसर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, व्हाई आर स्टोरीज विद सिग्निफिकेंट कंसिक्वेंसेस और लास्टिंग इम्पैक्ट डीम्ड मोर न्यूज़वर्थी, यानी महत्वपूर्ण परिणाम या स्थायी प्रभाव वाली कहानियां अधिक समाचार योग्य क्यों समझी जाती हैं। मतलब जिसका रिजल्ट एक महत्वपूर्ण होता है और स्थाई होता है, वो स्टोरीज क्यों योग्य, मतलब क्यों न्यूज़वर्थी होती हैं। ऑप्शन है इसमें ए दे चैलेंज इस्टेब्लिश नॉर्म्स, यानी वे स्थापित मानदंडों को चुनौती देती हैं। बी दे ऑफर अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, यानी वे एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। सी है दे रिजोनेट विद द इमोशनल साइड ऑफ न्यूज़ कंज्यूमर्स, यानी वे समाचार उपभोक्ताओं की भावात्मक पक्ष से मेल खाते हैं। डी है दे कैरी लास्टिंग इफेक्ट ऑन सोसाइटी, यानी वे समाज पर स्थायी प्रभाव डालते हैं। तो 31 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, दे कैरी लास्टिंग इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी, यानी स्थायी प्रभाव डालता है इसका किस पर, सोसाइटी पर। इन्होंने ये पूछा था कि महत्वपूर्ण परिणाम या स्थायी प्रभाव वाली कहानियाँ अधिक समाचार योग्य क्यों समझी जाती हैं। तो स्थायी प्रभाव पड़ेगा लोगों पर, तो वो इसलिए मतलब इसलिए ज़रूरी समझी जाती हैं कि वे समाज पर स्थायी प्रभाव डालती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट फंडामेंटल वैल्यू इंश्योर्स द ट्रस्ट एंड इंटेग्रिटी ऑफ जर्नलिज्म, यानी कौन सा मौलिक मूल्य पत्रकारिता के विश्वास और अखंडता को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन मतलब अखंडता को कौन सुनिश्चित करता है और विश्वास को। ऑप्शन है इसमें ए टाइमलीनेस, बी इम्पैक्ट, सी क्रिएटिबिलिटी ऑफ सोर्स एंड इंफॉर्मेशन, यानी सोर्स और सूचना की विश्वसनीयता। डी है नोवेल्टी एंड रेयरिटी, यानी नवीनता और दुर्लभता। तो 32 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्रिएटिबिलिटी ऑफ सोर्स एंड इंफॉर्मेशन, यानी सोर्स और सूचना की विश्वसनीयता जो है वो क्या बनाती है, हमारा ट्रस्ट और इंटीग्रिटी को जोड़े रखती है। ठीक है, इंटीग्रिटी को सुनिश्चित करती है, विश्वास और अखंडता को बनाए रखती है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, क्या चीज़, जो सोर्स है हमारा न्यूज़ का है ना, वो ठीक जगह से आती हो और वो गलत ना हो, है ना, वही चीज़ विश्वसनीयता को बनाए रखती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, हाउ डू जर्नलिस्ट प्रायोरिटाइज एक्यूरेट वेरीफाइड एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, यानी क्या हुआ इनका मतलब, पत्रकार जर्नलिस्ट सटीक एक्यूरेट वेरीफाइड सत्यापित और विश्वसनीय जानकारी को कैसे प्राथमिकता देते हैं। ऑप्शन है इसमें ए बाय एम्फेसाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड कंट्रोवर्सी, यानी संघर्ष और विवाद को जोर देकर, बिल्कुल नहीं। बी है बाय
एडरिंग टू प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल्स यानी निकटता सिद्धांतों का पालन करके, सी है बाय फोकसिंग ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस यानी पर्सनल एक्सपीरियंस पर फोकस करके, बिल्कुल नहीं, डी है बाय अपहोल्डिंग द वैल्यू ऑफ क्रेडिबिलिटी यानी जो क्रेडिबिलिटी होती है उसकी वैल्यू को अपहोल्ड करके यानी विश्वसनीयता के मूल्य को कायम रखकर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, आंसर डी, विश्वसनीयता के मूल्य को कायम रखकर। ठीक है, जो जर्नलिस्ट है वो हमें किसको प्राथमिकता दे सकता है, सटीकता को, सत्यापन को, और न्यूज़ है वो रियल हो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट रोल डू न्यूज़ वैल्यूज़ प्ले इन द सिलेक्शंस एंड प्रेजेंटेशंस ऑफ स्टोरीज बाय जर्नलिस्ट एंड न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन यानी पत्रकारों और समाचार संगठनों द्वारा कहानियों के चयन और प्रस्तुति में समाचार मूल्य क्या भूमिका निभाता है। ऑप्शन है इसमें ए, एडिंग ड्रामा एंड टेंशन, टेंशन और ड्रामा को ऐड करता है। बी है रिजोनेटिंग विद द इमोशनल साइड ऑफ न्यूज़ कंज्यूमर्स जो न्यूज़ कंज्यूमर के भावात्मक पक्ष से मेल खाता है। सी है गाइडिंग द चॉइस ऑफ नोटवर्थी एंड पब्लिशेबल स्टोरीज यानी उल्लेखनीय और प्रकाशन योग्य कहानियों के चयन का मार्गदर्शन करना। डी है चैलेंजिंग एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स यानी स्थापित मानदंडों को चुनौती देना। तो 34 का आंसर होगा सी, गाइडिंग द चॉइस ऑफ नोटवर्थी एंड पब्लिशेबल स्टोरीज यानी जो है उल्लेखनीय और प्रकाशन योग्य कहानियों के चयन का मार्गदर्शन करना, आंसर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ न्यूज़ वैल्यूज़ इन जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता में समाचार मूल्यों की प्राथमिक भूमिका क्या है, न्यूज़ वैल्यू की प्राथमिक भूमिका क्या है पत्रकारिता में। ऑप्शन है इसमें ए, क्रिएटिंग ड्रामा एंड टेंशन इन स्टोरीज यानी कहानियों में नाटक और तनाव पैदा करना। बी है फुलफिलिंग द एसेंशियल रोल ऑफ इंफॉर्मिंग एजुकेटिंग एंड इंगेजिंग द पब्लिक यानी जनता को सूचित करने, शिक्षित करने और संलग्न करने की आवश्यक भूमिका को पूरा करना। सी है चैलेंजिंग एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स यानी स्थापित मानदंडों को चुनौती देना। डी है फोकसिंग ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स, तो ये तो आंसर नहीं होगा, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस पर फोकस करना, तो आंसर 35 का हो जाएगा बी, फुलफिलिंग द एसेंशियल रोल ऑफ इंफॉर्मिंग एजुकेटिंग एंड इंगेजिंग द पब्लिक मतलब जनता को सूचित करने, शिक्षित करने और संलग्न करने की आवश्यक भूमिका को पूरा करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है। बाकी के यूनिट के जो 45 या 40 क्वेश्चन बचे हैं लगभग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, पूरी प्लेलिस्ट का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस अवेलेबल मिल जाएंगी और साथ साथ इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आपको आंसर की और इसका PDF ईजीली अवेलेबल है, वहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, और वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिएगा अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के साथ, है ना। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।